हेलो एवरीवन, मैं हूँ आपके अपने सोल में चबाना। और चलिए मैं आपके लिए वीकली प्रिडिक्शन साप्ताहिक राशिफल लेकर आई हूँ 31 अगस्त 2020 से लेकर 6 सितंबर 2020 के लिए। अब हम चल रहे हैं अक्वेरियंस के लिए, कुंभ राशि वालों के लिए ये हफ्ते की रीडिंग करने के लिए। और आप अपना राशिफल कैसे देख सकते हैं, लग्न कुंडली के अकॉर्डिंगली, चंद्र कुंडली के अकॉर्डिंगली, इनके लॉर्ड के अकॉर्डिंगली, नाम राशि के अकॉर्डिंगली, या फिर वेस्टर्न जोडियक साइन के अकॉर्डिंगली भी देख सकते हैं, जैसे भी आप कनेक्टेड फील करें, क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग है। एक राशि से रेजोनेट नहीं करते तो दूसरी राशि से जरूर आप रेजोनेट करेंगे, कृपा करके जरूर देखिएगा। तो चलिए अब हम देखते हैं कि एक्वेरियस कुंभ राशि वालों के लिए, माइंड बॉडी सोल के लिए क्या कार्ड्स में कौन सा कार्ड हमारे लिए आ रहा है इस हफ्ते के लिए। एस ऑफ स्वॉर्ड यानी कि शार्पनेस, माइंड में प्लानिंग, तेजी, दिमाग दिमाग बहुत तेजी से काम करेगा इस हफ्ते। आपका माइंड में जो है बिल्कुल प्लान्स, प्रोग्राम्स, क्या करना है क्या नहीं करना, फोकस वो रहने वाला है। इंटेलिजेंस आपकी लाजवाब होने वाली है इस हफ्ते। कुंभ राशि वाले जो है अपना माइंड बहुत तेजी से काम करने वाला है, और इट्स अ वेरी गुड साइन। दैट मीन्स आप बिल्कुल परफेक्शन के साथ चल रहे हैं। वैसे ये एस है, एस यस का कार्ड होता है, साथ में एयर हो गया, यानी कि अब आराम नहीं मिलने वाला। कुछ ना कुछ एक थॉट आएगा, एक थॉट जाएगा, एक थॉट आएगा, एक थॉट जाएगा, और उसी में आपका दिमाग चलता रहेगा, चलता रहेगा। यानी आप कुछ और भी काम कर रहे होंगे तो आपकी प्रोग्रामिंग, प्लानिंग वो सब चलती रहेगी, इंटेलिजेंस बरकरार रहेगी, अच्छे डिसीजंस लेने वाले हैं, तो माइंड बहुत शार्प रहने वाला है इस हफ्ते एक्वेरियंस आपका। और माइंड में देखिए अच्छे अच्छे छोटे छोटे ग्रीन कलर के पत्ते भी निकल रहे हैं, यानी कि जो ये थॉट्स आपको आएंगे ये बहुत काफ़ी फ्रूटफुल होंगे, आपके लिए अच्छे साबित होंगे आगे चलने के बाद। ये आपको जो है ग्रोथ की तरफ ही लेके जाएंगे। तो जो भी आइडियाज है, मैं आपको ये कहूंगी पेन डाउन करते जाइए, जो सोच आती है आप उसको लिख लीजिए। क्योंकि क्या है, क्योंकि ये एयर एलिमेंट है इसका, जैसे सोच आती है वो उड़ भी जाती है। तो अगर आप देर एंड देर उसको लिख लेंगे या मोबाइल में उसको फीड कर लेंगे, वॉइस मैसेज में या कैसे, तो वो आपके पास सिक्योर रहेगी, क्योंकि थॉट्स बहुत आएंगे आपके। सारे थॉट याद रखना भी इस वक्त आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। बॉडी के लिए ज़रूर आपको चोट लग सकती है, तो इसलिए आपको मूवमेंट पे थोड़ा ध्यान रखना होगा, चलते फिरते। इधर इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस को ज़्यादा उनके साथ हैंकी पैंकी मत करिएगा, ज़रा कहीं ऐसा ना हो खुद ही इंजीनियर बन जाए, इलेक्ट्रिशियन बन जाए और तार वार जोड़ने लगे। तो इसलिए, क्योंकि मुझे ऐसा दिखता है कहीं कुछ चोट लगने का अंदेशा है, इसलिए हम आपको पहले से बता रहे हैं ताकि आप पहले से केयरफुल रहें। और सोल के लिए बता रहे हैं, सोल तो इस वक्त बहुत ही ज़्यादा बिजी रहने वाली है, क्योंकि सोल की तरफ आपका ध्यान ही नहीं होगा। सोल को ही तो सेटिस्फैक्शन करने के लिए ये कार्ड आया है, कि सोल को सेटिस्फाई करना है तो आगे काम करना पड़ेगा, प्लान करना पड़ेगा, ऐसे कर लें कि वैसे कर लें, वैसे कर लें कि ऐसे कर लें, ऐसा चलता रहेगा। हाँ, फाइनेंशियल फ्लो मुझे बिल्कुल नज़र नहीं आता, बिल्कुल नज़र नहीं आते, शायद इसीलिए आपकी बहुत ज़्यादा प्रोग्रामिंग्स चलती रहेगी माइंड की। और जो है रिलेशनशिप्स में भी आप ज़्यादा ध्यान नहीं देने वाले, क्योंकि इतने ज़्यादा दिमाग में आप थॉट्स के साथ बिजी होंगे कि उन तरफ आपका ध्यान ही नहीं दे जाने वाला है। बट मैं आपको कहूँगी रिलेशनशिप्स की तरफ ज़रूर ध्यान दीजिएगा, कहीं वो हाथ से ना निकल जाए, कहीं वो सोचे अरे आप जो हैं काफ़ी रूखे रूखे से हैं, ध्यान तो देते नहीं हैं, तो चलो हम इनसे बात ही नहीं करते हैं। ये रिलेशनशिप वो वाला रिलेशनशिप नहीं, कोई भी रिलेशन है ये, फ्रेंड्स के साथ हो, रिलेटिव्स हो, कोई कोई भी रिलेशनशिप, क्योंकि लव रिलेशनशिप के लिए तो मैं अलग रीडिंग दे चुकी हूँ आपको, ठीक है। तो ये रहने वाला है एक्वेरियस, मैं आपको यही कहूँगी कि थोड़ा शांत रहें, अपने आप को रिलैक्स भी करें। इतना ज़्यादा माइंड में चल रहा है उसको आप लिखते जाएंगे तो सही रहेगा, जिससे कि आपको ये टेंशन नहीं होगी अरे मैं भूल ना जाऊं, अरे मैं भूल ना जाऊं। तो बस मोबाइल सबके पास होता है, जल्दी से निकालिए, एक वॉइस रिकॉर्ड करिए और रख लीजिए कि हाँ मैंने ऐसा कुछ सोचा था। तो देखें आपके लिए एंजल्स क्या रीडिंग लेके आए हैं। एंजल्स कह रहे हैं आ हा, फ्लो ऑफ प्रोस्पैरिटी, लक्ष्मी माँ आने वाली हैं आपके घर में, और शायद लक्ष्मी जी को ही लेके आप आना चाहते हैं, इसीलिए इतने दिमाग में इतने प्रोग्राम्स और वो मंसूबे चल रहे हैं, प्लानिंग चल रही है कि कैसे हो कैसे हो। अरे भाई, लक्ष्मी जी तो खुद ही आना चाहती हैं आपके पास, वो तो ज़रूर आएंगी, बिल्कुल बिल्कुल आएंगी। और जो आप काम कर रहे हैं वो बिल्कुल आपको फ्रूट देगा, क्योंकि एस का कार्ड आया है। एस का कार्ड इज़ वेरी प्योर एंड गुड एंड यस कार्ड, तो लक्ष्मी जी तो खुद ही आने के लिए तैयार है, बस तैयारियां करिए। और लक्ष्मी जी भी आ रही हैं, और बिल्कुल अपने आप को जो है प्रिपेयर्ड रखिए। तो चलिए, ये था हमारा कुंभ राशि वालों के लिए एक्वेरियंस के लिए इस वीक का राशिफल।
और अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट ज़रूर करिएगा और देखते रहिएगा। मैंने लव रीडिंग्स पोस्ट कर दी हैं और भी बहुत अच्छी रीडिंग्स आपके लिए मैं लेके आने वाली हूँ। तो अभी के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। थैंक यू सो मच।